Here he is, the man himself, Virat Kohli. Sir, Virat, how are you? Welcome again. Thank you. Bula to aapne mujhe liya hai. Haan. What's going on? What is all this? And no, don't look there. What's this? Look here. I'm sure you know what's this. I know the picture, but why is it on a projector screen? Yeah, Virat, 23 October ko MCG pe jo karnama hua tha na. Hmm. वो सबने देखा योर मोस्ट ऑडेशियस लव अफेयर विद 82 एक जर्नलिस्टिक टर्म में होता है 5 W's and 1 H विद द W's आर हु व्हाट व्हाई व्हेन वेयर फिर होता है एक H एंड वी वांट टू कंप्लीट द H टुडे द मिसिंग पीस इन द जिग्सो हाउ एंड वो जवाब सिर्फ यू कैन गिव एंड इट्स नेवर हैपेंड बिफोर दिस आई विल जस्ट लेट दिस ब्रीथ फॉर अ मोमेंट ओह दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस क्लिप एक्चुअली रियली Yeah, because star ke paas hi hai na rights. So I've seen other celebrations, but this particular footage I've never seen before. Ye emotions ki lehar nahi hai, Virat. Ye tsunami hai. Right? Is this in many ways batting ka, aapke is khoobsurat career ka, in many ways the pinnacle. I mean, yeah, you can say that. If you look at all these moments, just the emotion. I've played with Rohit for a long period of time. And I have not seen him express so much in many moments. So I think it was, matlab, naturally was sabke liye, you know, because jo maine pehle bhi bola hai, halfway stage of the game, I felt like I was spiraling down even further. In terms of my confidence and what I wanted to do, it was completely the opposite thing. To wahan se situation ko bilkul palat jana, uske baad ऐसा मैच फर्स्टली टू गो डाउन टू द वायर एंड देन जस्ट फॉर अस टू बी एबल टू क्रॉस द लाइन इन दैट फैशन इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल एक माहौल था एक एनवायरनमेंट था उसके बाद मेरा भी जो सेलिब्रेशन था इट जस्ट हैपेंड वेरी नेचुरली द एनर्जी इन द स्टेडियम वाज समथिंग दैट वाज मैजिकल द ओनली अदर टाइम आई प्रॉब्ली फेल्ट इट वाज इन वानखेड़े इन द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप सो Yeah, it was amazing. It's a magical night. What we will do is, matlab, sit down, relax, as we decode one of the greatest T20 games, not one. Ab tak ke liye, hum sab ke liye, this is the greatest T20 match. ने बहुत इंटरव्यूज किए हैं और सबकी एक थीम हमेशा रही है दैट यू सेड कि जिस दिन मैच होता है मैं जब उठता हूँ मेरा सिर्फ एक गोल है कि इंडिया को जिताना है लेकिन ये मैच सिर्फ एक आम मैच था नहीं 1 लाख से ज़्यादा लोग एमसीजी पे होंगे दिस वॉजन्ट जस्ट अनदर गेम जितने भी प्रेप्ड हो वो रात ना थोड़ी सी बेचैनी रहती है क्या विराट कोहली इंसान है 22nd की रात कैसी गुजरी थी यार वेरी ऑनेस्टली अगर मैं जिस तरीके के फेज के बाद मैंने वापस खेलना शुरू किया अगर मैं उस फेज से बाहर निकल के नहीं आता इस गेम में तो आई कैन से दैट आई वुड हैव फेल्ट एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू आर सेइंग बट द फैक्ट दैट मैं जब एशिया कप खेलने आया था वापस एंड जिस स्पेस में मैं था जिस बबल में आप बोल सकते हैं मैं था वो एक बहुत ही कंटेंट से भरा हुआ स्पेस था मतलब कि मुझे कोई डेस्परेशन नहीं थी किसी भी तरीके की तो मुझे पहले की तरह घबराहट नहीं फील हुई मुझे सिर्फ ये खुशी थी कि मैं इतने बड़े ओकेजन में दोबारा पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिल रहा है और मुझे बहुत चीज़ें याद आई बीच में कोविड हुआ था फैंस नहीं थे स्टेडियम में बहुत सारी चीज़ें मुझे फील हुई मैच से एक दिन पहले कि ये कितनी बड़ी एक यू नो अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग आप कुछ भी बोल सकते हो सबके लिए है ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बट फैंस के लिए भी जो ये मोमेंट्स हैं जो ये मेमोरीज हैं वो तभी क्रिएट हो सकती हैं जब ऐसा माहौल हो और माहौल बनता है प्लेयर्स से ऐसे तरीके की गेम से और सबसे ज़रूरी फैंस के आने से स्टेडियम में अगर उस दिन 90,000 लोग नहीं होते तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती मेरे हिसाब से क्योंकि लोगों की एनर्जी से ही ये गेम मोर देन अ गेम बन जाती है मेरा दिन मैच से पहले तो बहुत नॉर्मल दिन था मैंने आई थिंक इट वॉज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन और मैं नहीं गया था उससे एक दिन पहले मैंने प्रैक्टिस अपनी ख़त्म कर ली थी तो मेरा ये प्रेपरेशन परस्पेक्टिव से बहुत क्लियर था मैं कि आई जस्ट वॉन्ट बी अवे फ्रॉम द गेम ऑल्सो बिकॉज मैच के 3 दिन पहले तक माहौल अलग था होटल में और जैसे मैच क्लोज आया तो जितने लोग आ गए वहाँ पे और थिंग्स बिकेम वेरी हेक्टिक सो आई ट्राई टू स्टे इन
एंड जस्ट स्टे इन माई स्पेस. नहीं तो यू नो कॉन्स्टेंट आपको वो चीज़ यू नो फीडबैक मिलता रहे कि जीतना है, करना है, ये वो. बारिश की भी अनसर्टेंटी थी, आपको याद होगा. इट वॉज शोइंग 90% द होल टाइम टिल द नाइट बिफोर द गेम. मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैच नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. मुझे लगा था ठीक है अगर थोड़ा छोटा मैच हो जाए वो पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैच ना हो. मुझे आई डोंट नो, आई हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग अबाउट दिस. आई टेल यू समथिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. जो चीज़ें मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ ना, वो है कि आप रेडी हुए. वो रेडी होते हो आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो मैं उसकी अवेयरनेस बहुत रखता हूँ मैच से पहले. बट आज वी हैव एक्चुअली ब्रोकन डाउन एवरी सिंगल एलिमेंट. तो इन सब एलिमेंट्स में जाएंगे, यू नो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस इंटरव्यू दैट वी ट्राइंग टू कैप्चर. तो मॉर्निंग की बात होगी, यू सेड नॉर्मल मॉर्निंग. वी लाइक टू नो, क्योंकि शाम को 6 बजे की स्टार्ट, तो 3:30 ग्राउंड से जाना था. हम जितना जानते हैं विराट को, ही इज एन अर्ली राइजर, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज डिफरेंट रूटीन. सो व्हाट वाज इट, यू नो, याद है कितने बजे उठ के? बिकॉज बहुत घंटे हैं बिफोर द मैच ओनली फॉर यू एंड योर थॉट्स. कुछ नहीं, आई वोक अप नॉर्मली आई थिंक 7:38 इफ आई रिमेंबर करेक्टली. बाय 11:30 आई वाज आउट. आई वोक अप एट 7:30 or 8. प्रीटी नॉर्मल मॉर्निंग. आई मीन आई जो मैं रेगुलरली एनी स्ट्रेंथनिंग ऑन मैच डेज, कोई रूटीन? नो नो नो, नॉट एट दैट टाइम. उस टाइम पे नहीं. आई डिड एक्चुअली कोइंसिड, मतलब सरप्राइजिंगली आई वाज गेटिंग इनटू अ रूटीन बिफोर एवरी गेम. मैं जिम में जाता था अपने, थोड़ा जो प्री गेम रूटीन्स है मेरी, थोड़ी लिफ्ट्स की एंड यू नो मोबिलिटी एंड स्ट्रेचेज एंड ऑल दैट स्टफ, मैं वो करके जाता था. तो मैंने किया वो सेशन छोटा. वो गेम डे पे आई स्टेड इन. नॉर्मल मॉर्निंग जो मैं रेगुलरली करता हूँ, मेड माई सेल्फ couple of cups of coffee, went on with my morning, had breakfast. Luckily our breakfast area was separate, to aaram se aage nashta washta kiya. Uske baad nothing. I might have seen an episode or two of some show that I was watching, or maybe I don't know if I read a book or not. I don't remember, but I was taking, I still am, in 2020 cricket I take a afternoon nap, so it just resets my day completely. So I think I took a 30-35 minute or 40 minute nap in the afternoon. So I woke up absolutely fresh. My mental energy wasn't drained. ये चीज़ मैंने actually discover करी एशिया कप में. हमारे trainer ने मुझे बताई and I was like, भाई तेरा शुक्र है तूने मेरे को ये you know ये मेरे को एक पुड़िया दे दी एकदम fresh energy की. Amazing, made so much difference. And then I was pretty much into my routine gym में and then off to the game. Okay, before I just take you to the G, final question. 2021 was a reality, Virat. Just jo bhi cricket janta hai, khel janta hai, usko pata tha kisi na kisi din aani hai. Ek din would come, the result would not go your way. You were the captain. It happened there. 2021 ka wo match, Dubai, did it ever come across your mind? Very honestly, not at all. Dekho, records jo over the years ban jate hai na, वो एक ट्रेंड भी बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट आप स्पोर्ट खेल रहे हैं और ह्यूमन एरर इज सो बिग इन एनी स्पोर्ट, देयर इज नो गारंटी ऑन अ गिवन डे दैट आप ही जीतेंगे. तो इतनी अटैचमेंट्स और इतनी एक्सपेक्टेशंस बना लेना किसी गेम से कि रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए, दैट आई फील इज अनरियलिस्टिक. हमने अच्छा खेला, हमने प्रेशर बेटर हैंडल किया इतने सालों तक, तो हम जीते. उस दिन पाकिस्तान ने, दे आउटप्लेड अस, दे हैंडल्ड प्रेशर वे मोर देन अस, एंड दे डिजर्व टू विन थरली. देर इज नो क्वेश्चन, द मैच वॉजन इवन क्लोज. तो आई हैड प्रोसेस्टेड एंड एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली दैट वी वर आउटप्लेड. अगर आपको इतनी क्वालिटी भरी साइड आप ऑन द डे हरा दे और उस तरीके से, तो उसमें कोई शेम नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना. इस मैच से पहले या एशिया कप में भी ऐसा नहीं सोचा कि यार यू नो वो लॉस को अवेंज करना है. ऐसी फीलिंग्स के साथ आप कभी भी नहीं खेल सकते. आई थिंक इट वॉज अ गुड रियलिटी चेक फॉर एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स, बिकॉज द प्लेयर्स नो कि कितना प्रेशर होता है और आप वो हर बार नहीं हैंडल कर पाएंगे. बट देखने वालों के लिए भी एक रियलिटी चेक है कि बॉस दूसरी टीम भी अच्छी है, खेलने आई है, दे हैव गॉट अ अमेजिंग टीम. ऑलराइट विराट कोहली, लेट्स टेक यू टू द जी. ओके, MCG mein, we were there all these days in the build-up and it looked like rose match hai. Yeah. Practice chal rahi hai, lekin lag raha hai rose match hai. And ek badi unique cheez, right? This is where your practice pitches are.
इंडिया की प्रैक्टिस में पाकिस्तान के फैंस भी थे, पाकिस्तान की प्रैक्टिस में इंडिया फैंस भी थे, मैच चल रहा था प्रैक्टिस में भी. How different was this experience? I mean, मुझे अभी भी याद है, honestly, मैंने नेट्स में पीछे ऊपर भी फैंस थे, ऊपर भी फैंस या पूरा, तो हर शॉट के बाद यू नो वो ढोल बजाना शुरू हो गए, तो I had to tell them guys this is serious stuff. तो मैंने वो सब चीजें समझाई उनको and I said guys please आप देखो प्रैक्टिस, enjoy करो, but उसमें दखल अंदाजी मत करो क्योंकि it's a very important time for us. बिल्कुल. Preparation आपकी अच्छी हो जाए, everything goes well, so आप एक सुकून के साथ रूम में चले जाते हैं कि I am ready. As you said, इधर पाकिस्तान के फैंस थे, इधर उनका अपना ही चल रहा था ऊपर. मैंने कहा भाई हम बीच में हमें मत पीसो, क्रॉस फायर प्रैक्टिस करने दो प्लीज. MCG is obviously a spectacular stage for drama. दुनिया भर से लोग आए हैं, ये रॉ इमोशंस है, यू नो, काफियों को नहीं पता कैमरा है, दिस इज एक्सटेसी, दिस इज जॉय. व्हेन यू वॉक आउट, you are one of the most beloved of the generation. How do you handle that? Because we've seen it, you walk out with your gloves, no pads, and the stadium. See, then the energy propels me. The support, it takes my energy to a different level. I have to admit it, because that's the reality. But when I play, I understand that I have to do my work. That's why there are expectations. When I put my expectations in my space, and I didn't do this work properly, तो ना तो मैं परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, ना मैं वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाऊंगा, और सबसे ज्यादा जरूरी मैं अपनी टीम को नहीं जिता पाऊंगा, जिसकी वजह से ओवर द इयर्स ऐसा माहौल या ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुई हैं. तो जो हम लाइफ में बोलते हैं ना, प्रायोरिटी समझनी बहुत जरूरी होती है. आपकी लाइफ में जो एक पर्सपेक्टिव होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बड़ी बात करते हैं लोग, वो तभी क्रिएट हो सकता है जब आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में. वो एक आइडिया नहीं हो सकता, यू नो. तो मेरे दिमाग में वो आइडिया नहीं है कि हाँ मुझे गेम पे फोकस रखना है. वो मेरे लिए एक प्रायोरिटी है, मेरे लिए एक रियलिटी है कि जब मैं खेल रहा हूँ तो मुझे एब्सोल्यूट प्रोफेशनलिज्म के साथ जो ग्राउंड पे काम है मुझे पहले वो करना है. सो यू स्टेप्ड आउट फॉर वार्म अप्स मैच से पहले, एंड वो कहते हैं ना कभी कभी कायनात का थोड़ा इशारा होता है, यूनिवर्स. टू पीपल हु एड्रेस द हडल, एक्चुअली विराट कोहली और हार्दिक पांड्या. रिमेंबर दिस? रियली? वेल, it was I mean, I remember Rahul bhai told me to say a few words because unhone bola you've been part of these big games a lot and you've also performed in these games, so what is the, you know, mindset, what do you think we should look forward to? So I was giving the guys a bit of a insight into my experience over the years. For me, it was very easy to talk about these things because मैं उन चीजों को जी चुका हूँ. मैं I've been in those moments, so they are in my system. It's not something that I have to prepare or think about because I've lived those moments. One thing I remember saying is that what matters is how we look forward to this game. Do you want to be the guy who wants to win this game for your team? And if all of us can get into that mindset, then we will have 3-4 guys who will put up their hand on the day. So I just said, don't look at someone else to do the job for you. Have the will to stand up and say, I'm going to finish the game and I want to be the guy that wins the game for the team all by myself. And if all 11 can think like that, something special can happen. And one more thing that I said, there's a pressure situation. If you feel like you're going to crack, there are equal or more chances the opposition might crack as well. So it's who holds their nerves the best in those moments till the first guy cracks, and that's what this game is all about. It's holding your own till the point that comes where one guy cracks, tipping point, and the other team wins. And that's my experience from over the years in these games. Okay, after this, before we head into the game, ek bahut important moment, you know, it's the culmination of emotions before the real reset button. Sab bahar aate hain, you come in for that moment. Yahan pe there are going to be the anthems. What this means, the occasion, the patriotism, national anthem, ye tirange ki jo ahmiyat hai, just see this and then take us through this, Virat. Yeah. It's amazing. Of all the games that I've been part of in World Cups
or big stages with India Pakistan, this is one thing that I can never forget. Singing the national anthem in front of so many people and people singing with you. And I'll tell you why, because for me that is the one thing that all your supporters and you as a team and all your management and everyone involved on the day in that game do together. All the other stuff, while it's batting, bowling, fielding, it's all happening separately. This is one moment where everyone's energy is just streamlined into one thing. And the power of that is very, very special. It's something to feel. It's not something that you can quite put into words, but that's why we get goosebumps. It's the energy that makes us feel like that. बहुत कम मिलते हैं ऐसे मौके जहाँ पे आपको ऐसी energy feel हो एक moment में. तो मुझे national anthem का जो time होता है वो मैंने हर मैच का मुझे क्लियरली याद है, एंड दैट स्टिल मेक्स मी फील यू नो दोस सेम गूज़बम्स ऑल ओवर अगेन. लवली. ओके, शैल वी? फैंस आर रेडी, टीम्स आर रेडी, एंथम्स आर डन, इट्स प्ले टाइम. चलो. इंडिया वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड अगेंस्ट पाकिस्तान. बोलिंग फर्स्ट, हमने बहुत मैचेस देखे हैं विराट, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वेयर टीम्स हैव लॉस्ट. जो पहले बैटिंग करता है समवेयर यू नो दैट प्रेशर स्कोरबोर्ड का वर्ल्ड कप में सम एपिक मैचेस में जो टीम पहले बैटिंग करी है वो जीती है. यहाँ पे जस्ट इफ यू कैन टेल मी द थॉट प्रोसेस पहले बोलिंग करने का. आई थिंक बोलिंग करने का यही एक फैक्टर रहता है कि जो एटमोसफियर है उसको सोक इन करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो आप 20 ओवर की क्रिकेट में ज़्यादा पीछे ना रह जाएं एज अ बैटिंग यूनिट. तो इफ यू सॉ देवर ऑल्सो अंडर प्रेशर, तो वो हैंडल करना प्रेशर इज अ डिफिकल्ट थिंग व्हेन यू बैटिंग फर्स्ट. तो इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू पुट द ऑपोजिशन इन, एंड एज आई सेड पहले ही एज 11 यू स्टेप ऑन टू द फील्ड, तो एक सब लोगों की जो नर्वस एनर्जी होती है वो रिलैक्स हो जाती है बिकॉज आप गेम में घुस गए. उसके बाद फ्रॉम देयर द गेम टेक्स इट्स कोर्स, बट या दैट्स द यूजुअल माइंडसेट. There was a very close chance as well, and usse zyada mat, I don't think you could have done much. Jab ye thode chances ho rahe hote hain, right? Matlab, एक ये so close, सबके reaction, शमी, अर्शदीप, रोहित, you, because शान मसूद frame में भी नहीं था. ये close नहीं था, मतलब I don't think he, yeah, he's not barely in the frame. Expected me to come to the ball so quickly. और वो इतना खुला chance था कि मैं confused हो गया overhead मारूं कि underarm मारूं, तो eventually I threw underarm which was not in that much control. Overarm throw would have been better, I feel. In hindsight, but very hard na us fraction mein decide karna whether you have time for that or not. Yaar itna clear chance aa jaye to banda confused ho jata hai. Thoda pressure hona chahiye end tak. Aise bade matches mein these chances when they go through kabhi kabhi kuch alag hota hai. Do these things play when the game is going on ki ye half chances aaj convert nahi ho rahe? Mujhe aisa nahi laga yaar ki chance nikal gaye. To ek, as I said, wo mahol mein rehne ki ek jo अपॉर्चुनिटी एक्साइटमेंट जो भी आप बोल रहे हैं इतनी हाई होती है कि आप इन चीज़ों को ऐसा नहीं देखते यार कि चांस निकल गए. आई थिंक प्रेपरेशन होने के बाद आप एक ऐसे स्पेस में आ जाते हैं जहाँ आपको पता है कि आप ग्राउंड पे क्या कर सकते हो, और हर मोमेंट में आपका 120% एफर्ट ही निकलता है. 160 एक टाइम पे लग रहा था, मे बी 140-145, फिर शाहीन और राउफ एक दो बड़े शॉट्स, मन में क्या नंबर था बिकॉज यू वर ऑल्सो लुकिंग एट द विकेट राइट? फॉर देम they would have been happy to get to 150, and I felt like the game would have been pretty much, you know, it would have been a challenge but not beyond our reach. I felt 160, I just felt like 10 run zyada they managed to get a bit more on that pitch, aur unki bowling quality dekh ke obviously you match all these factors and you analyze and you feel like yaar it's going to be a challenge to get this. The three fast bowlers, you must have, right, when we look back at Sachin, Paji's knocks, you are talking about bhai Wasim Akram the, Waqar Yunis the, Shoaib Akhtar the, Abdul Razak bhi aa rahe the. Yahan pe you're looking at is current generation mein this is the best three together Pakistan ke sath mein. To Shaheen, Naseem, Harris ke liye kuch extra had you prepped? Well, to be very honest, no, kyunki aap itne saal se used to hain 140 145 150 plus बोलर्स के अगेंस्ट खेलने में. तो आई थिंक द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज मेंटली गेट इनटू अ प्लेस वेयर यू आर रेडी फॉर द चैलेंज. अब तक मैच चल रहा था, अब ड्रामेटिक मैच चलेगा. लेट द ड्रामा बिगिन. 160 टू चेज, आउटवॉक इंडियाज ओपनर, ओह इनसाइड एज, सॉफ्ट एंड
से खुशी का ठिकाना नहीं। नसीम क्या कह रहे हैं, जी हाँ मैंने कर दिखाया। Jubilation in the Pakistan camp. Rohit Sharma doesn't like it. All of India doesn't like it. That mix-up's gonna hurt. India are 31 for 4 with Akshar Patel's wicket. 6.1, 37 balls. के बाद ये moment, 31 for 4. सबके मन में obviously एक बात आई, फिर से यार. बड़ा match, top order, Pakistan bowlers. फिर से this is eerily similar. In this very moment, आप शायद 11वीं बॉल पे आ गए थे बैटिंग करने, 12th बॉल, it happened a bit too quick. Yeah, for sure. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी we will, you know, lose 4 wickets. और जैसे मैंने बोला, मतलब काफी experience हमारी side में था उस time पे भी already, T20 experience. So that is where the quality of the bowling really stood out initially, and then the run out happened. Unfortunately, I said sorry to Akshar about 3-4 times after the game as well. It was my fault. And from there, matlab maine pehle bhi bola ki 31 for 4 and things are getting tougher and it spiraled down even further from here. Jab ye ho raha tha, you know, you can't see in the rearview mirror and drive, but aapke samne ho raha hai. And you know MCGA, you know this is not one of those grounds ki yaar yahan pe na partnership lag gayi, cover up ho jayega. So almost jab wicket gir rahi thi, at the end, how was your brain reacting to now what scoreboard ko dekh ke and batting lineup ko dekh ke? Yaar batting lineup ko dekh ke to aap hamesha sochte hain ki yaar ab kaun bacha hai, you know, how many guys are left. So I felt like acha Hardik hai, Dinesh coming off very good form, and you know, Ash can strike a ball. I was like, theek hai. Maybe one partnership and things will start getting a bit clearer. Obviously, you don't see the finish line in time. Because you see it is very difficult. So the immediate plan that takes place is, what do you want to do in the next 7-8 overs? And a good partnership will be made with 7.5 run rate. You can't go so far back in the game that you don't get cover up in the end. Because as you said, MCG is playing. और जैसी बॉलिंग है, फास्ट बॉलर डालेंगे एंड में, बॉल पटकेंगे, यू नो, स्लोअर बॉल डालेंगे, बाउंसर्स डालेंगे, तो मुश्किल होगा क्लियर करना. इतना आसान नहीं होगा जैसे हम कहीं और खेल सकते हैं कि पैर रखा सामने और मारने को देखा, बिकॉज द बाउंस कैन सरप्राइज यू. और उस रात हो रहा था बाउंस ज़्यादा. तो बस इमीडिएट जो नेक्स्ट प्लान था वो यही था कि यार यहाँ से बिल्ड कैसे करेंगे. You know, we ride the emotions. लेकिन जब आप कॉम बॉक्स में, यू हैव टू से जो अपोजिशन बेटर कर रही है, लेकिन एक थोड़ा होता है ना, जैसे बोलते हैं कि दिल थोड़ा बैठ सा रहता है. सो हमारा स्टिंट खत्म हो रहा था. आई थिंक मैं, इरफान और रवि भाई थे, एंड रवि भाई वाज गोइंग टू रश. सो लाइक, हाउ डू यू स्टिल हैव टू, वी आर द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट. सो वी विल गेट इनटू दैट मोमेंट, एंड योर पार्टनर इज वॉकिंग आउट. जैसे हार्दिक बाहर आ रहा है, एंड देन यू ऑल्सो जस्ट रिसीव हिम एंड स्टार्ट वॉकिंग. जैसे हार्दिक बाहर आया, the way you received him and the way you guys said was there कि बस तुमने 4 विकेट लिए हैं, but we are eager to face the next ball. Tell me about उस time पे क्या set कर रहे थे, just that moment. Yeah, I mean it's basically the first words I think मैंने उसको बोले थे, let's build a partnership. I said yeah, let's do it. तो मतलब एक optimism था कि यार match को लंबा लेके जाने की जरूरत है यहाँ से. Obviously, आप फिनिश लाइन, as I said, अभी नहीं देख सकते, लेकिन एक ही कॉन्वर्सेशन रेगुलरली हो रही थी कि हार्दिक वॉज ओनली मैंशनिंग वन थिंग, कि वील कीप रोटेटिंग स्ट्राइक एंड कीप लुकिंग फॉर द ऑड बाउंड्री इन बिटवीन. एंड देन आई टोल्ड हिम दे विल पैनिक एट सम स्टेज. नाउ इट इज अपॉन आर स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी आप बोल लो, कि वो स्टेज तक कैसे पहुँचना है जहाँ पे दे पैनिक एंड वी आर स्टिल इन देयर. ऑन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द दिवाली मिरेकल. मैं हमेशा इन चीज़ों को देखता हूँ वेरी कीनली, कि कब ऐसा मोमेंट आता है जहाँ लोग आर्ग्यू करने लगते हैं फील्ड में, जहाँ दो रन हो गए तो फ्रस्ट्रेशन दिखती है बॉलर में, कीपर में, कैप्टन में, एंड दैट इज द टाइम आई यूजुअली ट्राई टू कैपिटलाइज.